राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करके कांग्रेस पार्टी को एक नए तरीके से उठाने की कोशिश की है। सबके बीच गुजरात चुनाव काफी चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। गुजरात चुनाव आने से पहले विधायकों का इस्तीफा देना पार्टी को भारी पड़ सकता है। हम आपको बता दें, 10 नवंबर को छोटा उदयपुर से कांग्रेस विधायक मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मोहन सिंह राठवा 11 बार विधायक रह चुके हैं। यह 1990 से 1995 तक कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तलाला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भगवान भाई बराड़ ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। और 5 नवंबर को AICC सचिव इंडियन ओवरसीज के प्रभारी हिमांशु व्यास ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वह भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा 10 नवंबर को गुजरात के दाहोद जिले के कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले विधायकों ने इस्तीफे क्यों दिए। विधायकों का कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है और कहा कि पार्टी के आलाकमान के साथ कोई बातचीत नहीं होती है और कहा कि आने वाले गुजरात चुनाव के लिए पार्टी में कोई रोड मैप तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, 1 दिसंबर को पहले चरण में और 5 दिसंबर में दूसरे चरण में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 दिसंबर को 79 सीटों पर और 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होंगे। वहीं 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।